सो हाय गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोविड-19 के बारे में। आप लोग कोविड-19 से डरे हुए हैं, सभी लोग, राइट? सबको डर रहता है कि अभी कुछ ना हो जाए ये वो। तो अगर आप मेरे ब्लेजर को देख के ये सोच रहे हैं कि मैं आप लोगों को भाषण देने वाली हूँ बहुत बड़ा और कोविड-19 पे देने वाली हूँ, इसलिए अगर आप वीडियो छोड़ के जा रहे हैं तो प्लीज़ 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 रुक जाइए, मैं ये ब्लेजर निकाल दूँगी, डोंट वरी। Welcome back to Offbeat Angela, the ones who are new to the channel. Do not forget to subscribe and hit the bell icon for notifications. So, as I said, आज हम कोविड-19 के बारे में बात करेंगे। मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में बातें करके परेशान नहीं करूंगी, क्योंकि वैसे भी हम सबको कोविड-19 ने इतना परेशान रख दिया है और इतना कुछ न्यूज में चलते आ रहा है कि हमें पता है कि कोविड-19 ऑलरेडी क्या है। सो हम नॉर्मली छोटी मोटी चीज़ें जो हम मिस आउट कर लेते हैं या हमें अगर नहीं पता, मैं उस चीज़ के लिए बस एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना चाहती हूँ और इसलिए मैंने आज ये प्लान आउट किया है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज एंड हम स्टार्ट करेंगे एक चीज़ से, कोविड से पहले एक और चीज़, जो कि ये है कि मैं अपने सब्सक्राइबर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे अभी सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है काफ़ी लंबे टाइम से। सो आप सभी को अ वेरी बिग थैंक यू एंड आप सबके लव एंड सपोर्ट की वजह से ही मैं नया वीडियो बनाने के लिए कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ और मुझे मूड बनता है कि चलो आज एक नया वीडियो बना के अपलोड किया जाए। सो कोविड-19 के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। कोविड-19 हम उसे बोलते हैं कोरोना वायरस डिजीज़। ये आई है 2019 दिसंबर में और इसीलिए इसको कोविड-19 बोला जा रहा है। दो चीज़ें होती है, एक होता है बैक्टीरिया, एक होता है वायरस। अभी बैक्टीरियाज ये है जिनकी एक मेडिसिन होती है और हम उस चीज़ की वजह से, उस मेडिसिन की वजह से हम क्योर हो जाते हैं। वायरसेस वो है जिनका क्योर नहीं है। अगर आपको कोल्ड हुआ है, अगर आपको फीवर हुआ है या कॉफ है या सोर थ्रोट है या टॉन्सिल्स है या जो भी है, इट विल टेक अ बिट टाइम। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो कि 2 से 3 दिन मिनिमम टाइम लगेगा आपको ठीक होने के लिए, क्योंकि वो वायरल डिजीज़ होता है। वायरस से कॉज की कोई भी चीज़ आपको तुरंत रिकवर नहीं हो सकती। हमें कैसे कॉज होती है पहले, वो आपको किसी को छूने से हो सकता है, दैट इज टच ब्रीदिंग, आपकी सांस के थ्रू सराउंडिंग में जो एयर है उसमें कोविड होगा एंड दैट्स हाउ यू विल बी कोविड पॉजिटिव। सो इसमें ससेप्टेबल लोग कौन हैं? जैसे कि बहुत एजड लोग हैं, 50 अबव, बहुत छोटे लोग हैं बिलो 5 ईयर्स, वो सब लोग थोड़े से सेंसिटिव होते हैं और उन लोगों को बहुत ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बहुत केयर की ज़रूरत पड़ती है और ये लोग इतने सेंसिटिव हो जाते हैं इस चीज़ को कि दे आर डाइंग। सो दीज पीपल आर ससेप्टेबल। साइन ये होगा दैट पर्सन इज गेटिंग वीक, टायर्डनेस हो रही, इज गेटिंग लेजी। सिम्टम्स में जो मेन सिम्टम्स आ रहे हैं वो है फीवर, कोल्ड, कॉफ, सोर थ्रोट। सोर थ्रोट एक ऐसा लेस सिम्टम्स में भी गिना जाता है। सो बॉडी एक, डायरिया, वॉमिटिंग, ये सब आपके लेस सिम्टम्स में आ जाता है, बट येस दीज आर ऑल्सो सिम्टम्स ऑफ कोविड। तो एक होता है माइल्ड कोई भी चीज़ में और दूसरा होता है सिवियर। माइल्ड जो है वो लोग ठीक हो रहे हैं विद इन 2 वीक्स एंड व्हेन इट कम्स टू सीवियर केसेस इट टेक्स 3 to 6 weeks. So what I feel according to what is going around to the surroundings is कि कोविड ने जैसे शुरुआत की कि दिसंबर 2019 से वो स्टार्ट होके फेब तक उसने धीरे धीरे ऐसा कब्जा जमा लिया है पूरे वर्ल्ड पे, नॉट गुजरात, नॉट इंडिया, इट्स वर्ल्ड हियर। सो ये एक ऐसी चीज़ है और धीरे धीरे ये चेंज होती गई इनटू एसिम्प्टोमेटिक। आप सोचो पहले सिम्टम्स थे, फिर लोग टेस्ट होके डायग्नोज होने लगे कि इनको कोविड है बट उनको कोई सिम्टम नहीं था, तो बोल दिया कि हाँ एसिम्प्टोमेटिक कोविड भी होता है। कि मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और फिर ख़त्म कहाँ पे हो रहा है। लेट्स टॉक अबाउट वॉट टेस्ट आर टू बी डन टू चेक। एक टेस्ट ये है जो आप देख सकते हैं, दूसरा टेस्ट है ब्लड, थर्ड टेस्ट है जो सीटी स्कैन किया जा रहा है। द बेस्ट रिपोर्ट व्हाट दे गेट इज इन सीटी स्कैन ओनली। आप न्यूज में देख रहे हैं कि सीटी स्कैन कराने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि कोविड सीटी स्कैन से जल्दी पता चलता है, वो क्लियर रिपोर्ट मिलती है। नाउ लेट्स कम टू द प्रिकॉशंस एंड द ट्रीटमेंट।
ट्रीटमेंट से पहले मैं प्रिकॉशंस इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. एंड प्रिकॉशंस में हम लोग यही ले रहे हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं, जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वहाँ पीपीके पहन रहे हैं, मास्क इज देयर ऑल ओवर. हम जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं हम लोग मास्क में जा रहे हैं. शील्ड रहता है जब यू आर इन अ फ्लाइट और डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को, सो दे आर वेयरिंग शील्ड, दे आर वेयरिंग मास्क, ग्लव्स. प्लस जो डॉक्टर्स हैं एंड फ्लाइट्स में वर्क करने वाले पीपीके पहन रहे हैं ताकि वो पूरे के पूरे कवर रहे. एंड दैट इज व्हाट वी आर टेकिंग प्रिकॉशंस. नाउ वी कम टू द ट्रीटमेंट. सबसे पहले प्रिकॉशन वाला एक पार्ट मैं बताना चाहूंगी कि हम रेगुलर बेसिस पे लेमन ड्रिंक प्लस हमारी इम्यूनिटी बूस्ट और करने के लिए अगर हम लोग विटामिन सी के सप्लीमेंट्स ही ले लें तो कई ज़्यादा बेटर है. मल्टी विटामिन टैबलेट्स ले सकते हैं ताकि हम ऑलरेडी अपनी इम्यून सिस्टम अच्छी खासी बूस्ट करके रखें ताकि हमें कोविड के चांसेस बहुत कम हो जाए. ट्रीटमेंट और प्रिकॉशन मैं इसलिए सेम समझती हूँ. आप लोग जानते हैं कि देर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट. आपको डॉक्टर्स नॉर्मल मेडिसिन देंगे. अगर आपको फीवर है तो आपको फीवर की मेडिसिन दी जाएगी. अगर आपको कोल्ड है तो कोल्ड की मेडिसिन दी जाएगी. सोर थ्रोट है, गले के लिए मेडिसिन दी जाएगी. बाकी आपको मल्टी विटामिन और विटामिन सी ये सब कुछ दिया जाता है. सो देर इज नो डिफरेंस इन योर प्रिकॉशन एंड ट्रीटमेंट ओवर हियर. मैं आज के वीडियो में जो मेन पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि नॉर्मली अगर आपको कोविड नहीं है बट फिर भी आपको नॉर्मल सा फीवर है एंड जस्ट इन केस अगर आप डर के मारे डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका 10,000 का खर्चा यूं ही हो जाएगा. वो क्यों? क्योंकि अभी जो कोविड चल रहा है उसके हिसाब से आपको ब्लड रिपोर्ट्स कराए जाएंगे. नॉर्मली एक मेडिसिन दी जाएगी आपको, फीवर की मेडिसिन होती है पैरासिटामोल. यू हैव डिफरेंट mg, 500 mg, 650 mg. उस हिसाब से आपको डॉक्टर्स मेडिसिन देंगे. यू विल बी आस्क्ड फॉर डूइंग ब्लड रिपोर्ट्स. आपके ऑलरेडी अराउंड 2000 तो आसानी से ये सिर्फ ब्लड रिपोर्ट्स में ही चले जाएंगे. आपको ब्लड रिपोर्ट्स के बाद जैसे ही कुछ ब्लड रिपोर्ट्स में देयर इज अ बिट अप एंड डाउन है तो फिर आपको सीटी स्कैन के लिए बोला जाएगा. नॉर्मली 4000 सीटी स्कैन का रेट रहता है. सो दैट्स हाउ 4000, 5000 आपके सिर्फ सीटी स्कैन के अंदर चले जाएंगे और मेडिसिन आपके अलग. प्लस आप जब ठीक हो रहे हो उसके बाद आपका एक और ब्लड रिपोर्ट किया जाएगा तो उसके 2000. आप लेबोरेटरी वाइज डिपेंड करेगा, लेबोरेटरी अलग है. कुछ लेबोरेटरी 2000 लेगी, कुछ लेबोरेटरी 2300 लेगी. तो वो डिपेंड करेगा. सो दिस इज़ अराउंड रफली 10,000 आपका खर्चा बिना कोविड पॉजिटिव हुए ही हो जाएगा. क्योंकि जस्ट इन केस अगर आप कोविड पॉजिटिव नहीं भी है तो भी आपको ये सब टेस्ट्स कराने पड़ेंगे. इनके से गो टू डॉक्टर. आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग डॉक्टर्स के पास मत जाओ. डॉक्टर के पास जाना है अगर आपकी बहुत पूरी तरह से हालत ख़राब है, आप नहीं खड़े रह पा रहे, आप हद से ज़्यादा वीक है, आप अपने आप कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं, आपकी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो ही आप जाएंगे डॉक्टर के पास. अदरवाइज इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप अपने आप को प्लीज़ घर पे थोड़ा सा ट्रीट करके देखिए पहले. प्लीज़ हैव फीवर है तो थोड़ा सा अपना घर से मेडिसिन ले लीजिए. ट्राई टू ट्रीट योर सेल्फ एट होम. अगर आप बहुत बुरी हालत में है तो प्लीज़ 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 डॉक्टर के पास जाइए. और अगर सच में आप कंट्रोल करने की हालत में है तो प्लीज़ 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 घर पे कंट्रोल करने को ट्राई कीजिए. अगर आप एक दिन में सच में ठीक हो जाते हैं घर पे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा ये सोच के कि थैंक गॉड हम डॉक्टर के पास नहीं गए और अब हम काफ़ी नॉर्मल है. तो मैंने आज एंड ऑफ द वीडियो आपको ये इंपॉर्टेंट बात बता दी है. एंड आई वुड लाइक यू ऑल टू फॉलो दिस. आप लोगों को फीवर पहले भी आता था, अभी आ रहा है, ऐसा नहीं है. फीवर हमको पहले भी आया है, कोल्ड हमें पहले भी हुआ है, कॉफिंग हमें पहले भी हुआ है, सोर थ्रोट हमें पहले भी हुआ है, बॉडी एक हमें पहले भी हुआ है, डायरिया हमें पहले भी हुआ है. सो कुछ भी नया नहीं है. यू जस्ट हैव टू टेक दोज मेडिसिन. क्योंकि अगर आप उस हॉस्पिटल पे बेड पे भी है तो आपको भी वही मेडिसिन दी जाएगी. कोई नई मेडिसिन नहीं दी जाएगी आपको वहाँ पे. प्लस अगर मैं आप लोगों को गिनवा दूँ कि अगर आप लोग हॉस्पिटल में हो ड्यू टू कोविड, गॉड फॉरबिड ये किसी को भी ना हो, बट इन केस आपको ये चीज़ हो जाती है तो बेस्ट ऑप्शन इज़ योर होम क्वारंटीन. एंड आप डॉक्टर्स से सजेस्टेड मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट घर पे कर सकते हैं. अगर आपने ये ऑप्शन चुन लिया कि आप हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मिनिमम जो हॉस्पिटल्स चार्ज लेती है वो है 50,000 इज़ योर डिपॉजिट एंड यू हैव 15,000 एज योर रूम चार्ज पर डे.
Now you can calculate, mild case भी अगर आप ले लो तो it will be 2 weeks of recovery, जो studies के हिसाब से पता चला है. So this is how मैंने आप लोगों को एक short सा information देने को try किया है and आप लोगों को समझाने को try किया है कि आप लोगों को क्या करना है जब आप ऐसी कोई सिचुएशन से गुजरते हैं. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव टू टेक विटामिन सी, यू हैव टू टेक सप्लीमेंट्स, मल्टी विटामिन, विच वुड डेफिनेटली वर्क. अगर इतने सारे लोग कोविड से रिकवर हो रहे हैं, ना भी डेंजरस नहीं है कोविड, बट यस, उसकी जो डेंजरस सी जो इमेज बन गई है उसे भी हमें दिमाग में रखना होगा और हमें उस चीज़ से संभल के रहना होगा. So here I end my video with this short and sweet information. Hope that you all stay safe and stay at home. अगर आपको कोई काम नहीं है, ज़रूरी काम नहीं है, तो प्लीज़ बाहर मत जाइए, घर पे रहिए. Stay home, stay safe, take care. Bye bye. जय हिंद.